नूरपुर ब्लॉक की ठहेड़ पंचायत में नूरपुर विधायक रणवीर सिंह निक्का का वहां पहुंचने पर लोगों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। विधायक जीत हासिल करने के बाद पहली बार इस पंचायत में आए हैं और वहां आए लोगों ने अपनी अपनी समस्याओं के बारे में नूरपुर विधायक को अवगत करवाया। नूरपुर विधायक ने वहां लोगों को संबोधित किया और अपने संबोधन में कहा कि मुझे लोगों ने अपना भरपूर जनमत दिया है और मैं नूरपुर से जीता हूं, लेकिन कुछ लोगों को हजम नहीं हो रहा। मैंने सभी विभागों को कह दिया है कि मुझे अपने फायदे के लिए कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ जनता के कार्य करने में सेवा करनी है। लोगों से मेरी गुजारिश है कि वह किसी भी समय मुझे अपने कामों को लेकर सीधा मिल सकते हैं। मेरे घर और ऑफिस के दरवाजे हमेशा खुले हैं। नूरपुर विधायक रणवीर सिंह निक्का ने कहा कि हम धन्यवाद करने डेहड़ पंचायत में पहुंचे हैं। बड़े उत्साहित लोग हैं। हमारी माताओं, बहनों, बुजुर्गों ने हमें ऐसा जनमत देकर नूरपुर से जिताया है कि उसकी चर्चा पूरे हिमाचल प्रदेश में हो रही है। मैं धन्यवाद करने गांव में आया हूं। गांव को जो भी विकास कार्य है, चाहे रास्ते का, चाहे गौशाला का, चाहे कोई और, उसकी बातचीत आज यहां की गई है और हम इन सब कार्यों को करवाने का प्रयास करेंगे और जो वायदा हमने किया है उसे निभाएंगे और मेहनत करेंगे जनता के लिए। उन्होंने कहा कि मेरी रणनीति रहेगी कि मातृशक्ति को रोजगार दिलवाने के लिए जो मैंने वायदा किया है उसके लिए सामाल स्केल इंडस्ट्री कच्चे घरों को पक्का करना मेरी प्रायोरिटी है। जो लोग आज लगा कर बैठे हैं, एक एक पैसा विकास का गांव तक पहुंचाया जाएगा, यह सब बातें करने मैं यहां पहुंचा हूं। धन्यवाद करने के लिए ग्राम पंचायत ठहेड़ में पहुंचे हैं। बड़े उत्साहित हमारे गांव के लोग, हमारे माताएं बहनें, हमारे बुजुर्ग हैं। ऐसा जनमत दिया उन्होंने नूरपुर में, पूरे हिमाचल में जिसकी चर्चा है। मैं धन्यवाद करने के लिए अपने गांव का आया हूं और गांव कार्य का जो भी विकास का कार्य है, उसके जो बातचीत है, चाहे रास्ते का, चाहे इनकी गौशाला का, चाहे और भी अन्य कोई विकास कार्य की योजना है, उनके रूबरू आज बात भी करी है। उस कार्य को हम सिरे चढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे और जो किया वायदा है उसको निभाऊंगा। 5 वर्ष के लिए पूरी मेहनत करूंगा अपने ठेठ पंचायत के गांव के लोगों की। जीत को लेके लोगों की आप पे बहुत अपेक्षाएं हैं, क्या रणनीति रहेगी उनकी अपेक्षाएं पूरी करने की आपकी? मेरी रणनीति रहेगी मातृशक्ति को रोजगार दिलाने के लिए। मैंने वायदा किया है कि मातृशक्ति के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कच्चे घरों को पक्का करना मेरी प्रायोरिटी है। जो आज भी लोग आस लगाकर बैठे हैं, एक एक रुपया विकास के कार्य का गांव तक, अपने लोगों तक पहुंचाऊंगा, वही बात करने के लिए मैं आज अपने ठहेड़ पंचायत में पहुँचा। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए कांगड़ा से ब्यूरो संजीव महाजन की रिपोर्ट।